हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जिसको कैपिटल आर भी बोलते हैं, रैंक नॉट रिपीटेड अगर है तो कैपिटल आर का ये फॉर्मूला होगा, और अगर रैंक रिपीटेड है तो ये फॉर्मूला होगा। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी रैंक नॉट रिपीटेड वाला सम एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम रैंक रिपीट होता है, अगर जो वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन की रिपीट होती है तो वो चीज देखते हैं। क्वेश्चन में फाइंड करना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैपिटल आर। सो एक्स एंड वाई ऑब्जर्वेशंस जो है वो गिवन है। ठीक है, अगेन फर्स्ट वीडियो में, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रैंक आप कैसे भी दे सकते हैं। सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट दे या सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। सो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड यूज किया है। सो रैंक वन इज फॉर एक्स, सो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे ग्रेटर नंबर 49 है, 49 से ऊपर 60 है, अगेन 60, और 60 रिपीट हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेना, 60 रिपीट नहीं हो रहा है तो रैंक वन। देन इससे छोटा नंबर है 55, 55 से बड़ा कोई है 60 के अलावा नहीं है, सो रैंक टू। देन उसके बाद है 49, 49 से बड़ा कोई नंबर है नहीं, लेकिन 49 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इनसे हो गया 60, ये हो गया 55, 49 जो है वो रिपीट हो रहा है। अब 49 कौन कौन सी पोजीशन पे रिपीट हो रहा है, अगर रैंक देते फॉर एग्जांपल 49 या 48 होता, सो रैंक मिलने वाला था एक थर्ड एंड फोर्थ, तो आपको क्या करना है, 3 + 4 डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालना है। रैंक का क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5। सो 3.5 रैंक मिलेगा यहाँ पे, सो 49 का हो जाएगा 3.5, और अगेन इसका भी हो जाएगा 3.5। देन 49 के बाद, 49 से जो छोटा नंबर है वो 43, अगेन 43 से बड़ा कोई है तो नहीं, सो 43, लेकिन अगेन यहाँ पे 43 फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये कौन सी पोजीशन पे रिपीट हो रहा है, अगर होता ऑलरेडी फोर्थ हो चुका है तो अगला कौन सा आने वाला है, 5। नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, 5 + 6, अगर अगला रैंक देते 6 डिवाइड बाय विच इज इक्वल टू 5.5। तो अब ये दोनों को कौन सा रैंक मिलेगा, 5.5। ओके, 6 हो गया, अब मिलने वाला है 7th। 43 के बाद कौन सा नंबर है, 43 के बाद 32। ओके, 32 रिपीट हुआ है क्या, 37। ओके, 37 रिपीट हुआ है नहीं, तो 37 को मिलेगा 7th। देन 32 वो हो गया 8, देन 20 वो हो गया 9, और ये हो गया 10। ओके, देन अगेन सिमिलर वाई को रैंक देना है, वाई में हाईएस्ट नंबर 72, 72 से कोई ग्रेटर है नहीं, 72 कोई रिपीट हो रहा है नहीं, सो रैंक 1। देन 70 से ग्रेटर कोई नहीं, 70 कहीं रिपीट हो रहा है नहीं, सो रैंक। देन उसके बाद कौन सा है, 60 से ग्रेटर कोई नंबर है नहीं, 60 रिपीट हो रहा है नहीं, देन रैंक 3। देन उसके बाद है 50 से ग्रेटर कोई नंबर, 50 से ग्रेटर कोई भी नहीं है, मीन्स 72 हो गया, 60 हो गया, ये 70 हो गया, देन 50 से कोई ग्रेटर है नहीं, फोर्थ। देन 50 के बाद कौन सा आ रहा है, फिर 45। ओके, 45 को कोई है रैंक, रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे, नहीं, तो 45 हो गया 5th। देन 45 से छोटा नंबर कौन सा है, 40 के बीच में कोई रेंज आ रही है नहीं, 50 भी हो चुका है, 40 के रेंज नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला पार्ट हो गया 6th। देन उसके बाद है 30, अब 30 रिपीट हो रहा है, मीन्स 30 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, कौन से नंबर पे रिपीट हो रहा है, वो 7 and 8, 7 + 8 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 7.5। इसको भी रैंक मिलेगा 7.5, और 30 यहाँ भी मिलेगा 7.5। देन उसके बाद है 25, ऑलरेडी 8 हो चुका है, अगला मिलने वाला है 9, और ये वाला हो जाएगा 10th। ओके, ये हो गया R2 रैंक फॉर Y। देन अपने को DI फाइंड करना है, DI इज नथिंग बट R1 - R2,
एंड लास्ट में डी आई स्क्वायर. सो डी आई मतलब 8 माइनस 6, तो सिमिलर फैशन में ये फाइंड करना है आपको. देन डी आई का स्क्वायर निकालना है, ये हो गया 4, 5.5 स्क्वायर. कैलसी से आप फाइंड कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट 30.25. देन 1.5 का हो गया 2.25, देन 9 माइनस 9 का अगेन प्लस 81, देन 4.5 का हो गया 20.25. आप कैलसी से फाइंड कर सकते हो स्क्वायर. 0.5 का हो गया 0.25, 25 एंड 0. नेक्स्ट आपको इन सब का एडिशन करना है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालना है. ठीक है, सबको ऐड करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है. मीन गया समेशन, ये आ गया 176. ओके, अब फॉर्मूला लिखना है. अब रैंक रिपीट हुए हैं, बहुत सारी जगह रैंक रिपीट हुए हैं. ओके, सो रैंक रिपीट हुए, इसके लिए कैपिटल आर का फॉर्मूला बन जाएगा 1-6 ब्रैकेट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर प्लस m1 cube minus m1 डिवाइड बाई 12 प्लस m2 cube minus m2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस m3 cube minus m3 डिवाइडेड बाई 12 फुल स्टॉप. अब ये तीन ही बार क्यों ब्रैकेट लिखी गई है, और क्यों नहीं लिया गया है 4 डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n. इसकी वैल्यू गिवन है 1-6 ब्रैकेट, ये वैल्यू कितनी मिली है अपने को 176. अब बात आई वहाँ m1 m2 m3 जो वैल्यू ब्रैकेट लिया मैंने, तीन बार क्यों लिया. ठीक है, यहाँ पे 49 था जो रिपीट हुआ था, देन 43 था जो रिपीट हुआ था, यहाँ पे 30 था जो रिपीट हुआ था. मतलब तीन नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए थे, दो x में थे और एक y में था. ठीक है, इसके लिए वो कितनी बार ब्रैकेट आई है, तीन बार. अगर आपको और क्लियरली समझना है इसके लिए शॉर्टकट के लिए, तो ध्यान रखना यहाँ आप अगर रफ में ये कैलकुलेशन लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको ये एक बार कैलकुलेशन किए तो एक, ये दो और ये तीन, जितने कैलकुलेशन किए हैं उतनी ब्रैकेट्स आ जाएगी. और अब रही बात m1 m2 m3 की वैल्यूज, तो जितनी बार रिपीट हुए हैं, ये 49 कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार. अगर ये तीन बार रिपीट होता तो किसी भी एक वैल्यू, जरूरी नहीं कि m1 को ही देना है, m1 m2 m3 रैंडमली किसी को भी दे सकते हैं. m1 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो बार रिपीट हुआ तो दो, अगर तीन बार होता तो तीन. अभी ये समय दो बार हुआ है, देन 43 भी दो बार हुआ है, 30 भी दो बार हुआ है, तो हर एक m की वैल्यू, m1 m2 m3 की वैल्यू 2 है. तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो गया 176 प्लस, ये हो जाएगा 2 cube minus 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 cube minus 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 cube minus 2 डिवाइड बाई 12. अब कई बाई चांस अगर यहाँ पे 3 होता, कोई 3 तीन बार रिपीट होता, तो ये 3 cube minus 3 हो जाता. n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपने 10, तो हो गया 10 cube minus 10 1-16 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स 176. 2 क्यूब होता है 8, 8-2 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 12 इज नथिंग बट 1/2, और 1/2 को लिख सकते हैं 0.5. सेम है इसलिए ये कॉपी कर लेते हैं, ये भी सेम है इसके लिए भी कॉपी. डिवाइडेड बाय ये हो गया 1000-10 इज 990. 1-6 ब्रैकेट 0.5 हो गया 1.5, ये हो गया 177.5. अब ये वाला जो टर्म है वो ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, कैलसी में पुट करेंगे. कैलसी में पुट करेंगे ये आएगा 1-6 ब्रैकेट 177.5 डिवाइडेड बाय 990. याद रखना है डिवाइड वन अलग है और ये डिवाइड अलग है, सो इक्वल टू आंसर आया -0.0758. आर इज इक्वल टू -0.0758. ये फाइनल आंसर आया स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का. थैंक यू. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.